नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं सन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सीमा विवाद पर चीन की धमकी, भारत सीमा विवाद का असर सरकारी कंपनियों पर नजर आने लगा है। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास भेजा गया। मुजफ्फरपुर के डीएम ने जारी किया आदेश, 53 कलर का तबादला। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया। यूजीसी और राजभवन की अनुमति के बगैर 6 साल तक होती रही बीएड की पढ़ाई, अब दाव पर लगा 22,000 छात्रों का कैरियर। केंद्रीय विद्यालय में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संभावित बाढ़ की स्थिति से पूर्व चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। दरभंगा एनएसयूआई ने मनोड़ीपुर चौक पर फूलबाबू साफी के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित, पटना एम्स में जांच में रिपोर्ट आया पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। सीमा विवाद पर चीन की खुली धमकी। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद चीन ने एक बार फिर सरकारी अखबार के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। चीनी सरकार के मुखपत्र यानी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, अगर एलएसी पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। इसे आसान शब्दों में समझें तो मतलब यह हुआ कि भारत चीन सीमा पर हालात बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल चीन का साथ देंगे। बता दें कि सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। चीन के भी सैनिक शहीद हुए और ये चीन का कायरतापूर्ण रवैया है जो भारत में भारत के सीमा को छेड़छाड़ कर रहा है और ये बर्दाश्त से था। केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कहा है कि 4G संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास भेजा गया। बिहार रेजिमेंट के शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव तारानगर प्रखंड भिटा जिला पटना पहुंचाया गया, जहां उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोगों ने चीन के विरोध में चाइनीज टेलीविजन व अन्य सामान को जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हल्दी छपड़ा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सनम न्यूज सलाम करता है देश के ऐसे वीर सपूतों को। मुजफ्फरपुर के डीएम ने जारी किया आदेश, 53 कलर का तबादला। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के 53 कलर का तबादला किया है। तबादले की पुष्टि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने की है। तबादले की इस लिस्ट में अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से जिले के BDO CEO एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि सौंपी गई है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति का पुतला दहन किया गया। मिथिला यूनिवर्सिटी के PG 3rd एवं 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के मद्देनजर छात्र नेताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया एवं सुधार न होने पर आम मरण अनशन की चेतावनी दी गई। थर्ड सेमेस्टर और PG फर्स्ट सेमेस्टर, इस दोनों सेमेस्टर में जिस तरह से लगातार रिजल्ट को खराब किया जा रहा है, उसको लेकर के आम छात्रों के द्वारा यहाँ के कुलपति जो वर्तमान में प्रभारी कुलपति हैं, उनका पुतला दहन किया गया। अक्सर देखा जाता है यहाँ पर कि जो यहाँ के रिजल्ट दिया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, लगातार उसमें धांधली किया जाता है। 28 नंबर 31 नंबर में 31.5 CBSE सिस्टम के माध्यम से पासिंग मार्क्स है, उसमें 31 नंबर पे जाके जानबूझ के छात्रों को छोड़ दिया जा रहा है। 31 नंबर पे आप बताइए, खुद आप लोग समझ सकते हैं कि 31 नंबर पे किसी को फेल करना, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जिसमें पॉइंट में नंबर किसी का आया हो। UGC और राजभवन की अनुमति के बगैर 6 साल तक होती रही बीएड की पढ़ाई, अब दांव पर लगा 22,000 छात्रों का कैरियर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन लेने वाले 22,000 से अधिक छात्र परीक्षा संचालित होने और डिग्री मिलने के इंतजार में हैं। वहीं UGC द्वारा RTI से मिली जानकारी के अनुसार संस्थान को बीएड कोर्स की अनुमति 2016 में ही समाप्त कर दी गई थी। इस पूरे मामले में छात्रों को बिना अनुमति कोर्स में नामांकन देकर गुमराह किया गया। इस कोर्स में नामांकन लेने वाले 100 से अधिक सरकारी शिक्षकों का कैरियर भी दांव पर है। राजभवन से मिली स्वीकृति के बिना नामांकन लेने के कारण इसके दुष्परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं।
2014 में राजभवन की अनुमति के बिना बांट दी गई डिग्री और अब 2015 और 16 में नामांकित छात्रों की परीक्षा अभी तक लंबित है। दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक सतीश कुमार राय ने बताया कि कोर्स संचालित होने के 6 साल बाद भी राजभवन की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अब राजभवन की एडवाइजरी समिति की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद नामांकित 22,000 छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उन्हें डिग्री दे दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। साइबर से संबंधित रोबोटिक्स, क्लोज सर्किट कैमरा व अन्य तकनीक को समझने के लिए 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इस संबंध में सभी केंद्रीय विद्यालय को गाइडलाइन जारी कर 30 जून से पहले CBSE के साथ अपने विद्यालय का नामांकन करने के लिए कहा गया है। CBSE इस कोर्स के लिए एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन के लिए फीस नहीं लेगा। इस कोर्स की पढ़ाई इंटेल और CBSE के सहयोग से होगी। COVID-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संभावित बाढ़ की स्थिति से पूर्व चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। प्रधान सचिव ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि बाढ़ राहत शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल फिंगर कैम इत्यादि उपलब्ध कराया जाए। चिकित्सा दल को संक्रमण से बचाव हेतु PPE किट, 3-लेयर मास्क, लाइट डिस्पोजल हेड कैप, सैनिटाइजर, साबुन आदि उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ राहत शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए गए व्यक्तियों का नियम अनुसार सैंपल लिया जाए। सैंपल के उपरांत COVID-19 पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को आइसोलेशन केंद्र अथवा COVID-19 कोविड सेंटर में भर्ती किया जाए। इसके अलावा बाढ़ राहत केंद्र के साथ संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा से हमारे संवाददाता चंद्रभूषण यादव की रिपोर्ट। दरभंगा NSUI ने मनोहरीपुर चौक पर फूल बाबू साफी के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। वहीं जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा है, जिस तरह चीन ने नापाक हरकत की है, जिससे हमारे हिंदुस्तान के जवान शहीद हुए हैं, देश के युवाओं के दिल में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने संपूर्ण चीनी सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सरकार से आग्रह किया है। RJD के रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पटना एम्स में जांच में रिपोर्ट आया पॉजिटिव। RJD के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कई दिनों से बीमार चल रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को बीते कल पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह को छाती में दर्द, खांसी, सर्दी के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पटना एम्स में भर्ती होते ही डॉक्टरों की टीम ने कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया, जिनका जांच सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रघुवंश प्रसाद सिंह RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें पार्टी में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी माना जाता है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की कोरोना जांच तय है। इसका असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ेगा। अभी अभी पड़ोस के 2 जिलों से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। शिवहर पुलिस ने चमनपुर में मारा रेड, भारी मात्रा में कच्चे शराब को किया गया बरामद और उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। DSP प्रेमनाथ राम के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने मौके पर मारा है रेड। मौके पर शिवहर के थानाध्यक्ष अशोक कुमार राय, पिपराही थानाध्यक्ष अवधेश कुमार, श्यामपुर के थानाध्यक्ष यूसुफ अंसारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पड़ोस के जिले सीतामढ़ी से आ रही है एक बड़ी खबर। सीतामढ़ी में रिटायर्ड बिहार पुलिस के जवान की हत्या, झाड़ियों में मिला है शव। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के गढ़वा निवासी शत्रुघ्न सिंह बुधवार की सुबह अपने घर से खलिहान की तरफ निकले थे। देर शाम तक शत्रुघ्न अपने घर वापस खाना खाने नहीं लौट पाए तो चिंतित होकर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, पर कुछ पता नहीं चला। बाद में उनके शव को झाड़ियों से बरामद किया गया। सीतामढ़ी और शिवहर से हमारे संवाददाता दीपक आर्या की रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए सन न्यूज के साथ। धन्यवाद।